क्लास का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। हरीश, तू अंजलि को बहुत चाहता है ना? हाँ रवि, अंजलि को मैं बहुत चाहता हूँ। लगता है तो उसके बाप को जानता नहीं है। जिस दिन उसे पता लगेगा ना कि उसकी बेटी का अफेयर तेरे साथ चल रहा है, वो अपनी बेटी को तो कुछ नहीं बोलेगा, सीधा आकर तुझे गोली मार देगा। लेकिन अंजलि कहती है उसके पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। नमस्ते। अरे मास्टर जी, आप? अरे आप हद करते हैं, उस कोने में क्या कर रहे हैं? आइए। अरे वाह, कमाल है, बैठी बैठी। अरे कोई काम था तो मुझे बुला लेते, मैं आ जाता आपके घर पे। कैसे आना हुआ? बेटी की शादी कर रहा हूं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे लायक कुछ सेवा? नहीं कुछ नहीं, बस शादी का कार्ड देने आया था। मैं जानता हूं तुम बहुत मसरूफ रहते हो, फिर भी हो सके तो। क्या मास्टर जी, कैसी बात करते हैं आप? लगता है आप अभी तक मुझे अपना नहीं समझते हैं। अरे आपकी बेटी की नहीं, मेरी बेटी की शादी, और मैं अपनी बेटी की शादी में नहीं आऊंगा। उस दिन मैं कोई अपॉइंटमेंट नहीं रखूंगा, मेरा अपॉइंटमेंट सिर्फ ये है कि मुझे अपनी बेटी की शादी में जाना है। शुक्रिया। अच्छा मैं चलूं? अरे सुनो, ड्राइवर से कहो मस्जिद को घर छोड़ दे। अरे नहीं नहीं सिंघानिया साहब, मैं चला जाऊंगा। दुनिया बदल गई मगर मास्टर विद्यासागर नहीं बदला। साहब, सिंघानिया साहब का आपके लिए एक मैसेज है। आज पार्टी के साथ डायमंड की डीलिंग आप करेंगे। माचिस? माचिस होती तो दुनिया को आग लगा देता। साहब, पार्टी का कोड वर्ड ये है। माचिस, माचिस होती तो दुनिया को आग लगा देता। रात से गानिया त्यागी डायमंड्स। पूरे हैं? मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। माचिस होती तो दुनिया को आग लगा देता। डायमंड खरीदने वाले हर व्यापारी से कह दो कि वो जिस किसी से डायमंड खरीदे मुझे खबर कर दें, क्योंकि राज पर हमला करके डायमंड लूटने वाला डायमंड अपने पास नहीं रख सकता। पिंगालिया साहब,
डायमंड से ज्यादा जरूरी हमारा वो दुश्मन है जिसने राज की जान लेने की कोशिश की। तुम क्या समझते हो मुझे डायमंड की फिक्र है? मेरी असली जायदाद मेरे ये सबूत हैं। मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई इन बच्चों पर निछावर करके फेंक सकता हूं। डायमंड तो दुश्मन तक पहुंचने का एक जरिया है। मैं उस कमीने की सूरत देखना चाहता हूं जिसने मेरे बच्चे को मेरे सीने से छीनने की कोशिश की है। शमशेर मेरी औलाद की कसम, वो जो भी होगा मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। एक बार अपने जिस्म पर हमला बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर मेरे दिल पर जो हमला करेगा मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। वाह तगी वाह, कमाल कर दिया तूने। एंजॉय योरसेल्फ। सिर्फ ये हीरे हमारे बदले की आग को नहीं बुझा सकते, तुम्हारी ये खुशियां ये जश्न बहुत खोखले नजर आ रहे हैं हमें। बहुत कमजोर लोग लग रहे हो तुम, बहुत कमजोर। ऐसा लगता है तुम्हारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि सिंघानियों को परेशान कर सको, उसे बेचैन कर सको, मगर इतना काफी नहीं है। और याद रखो, राज पर हमला करने के बाद तुमने सिंघानिया के सिंहासन को हिलाया है, तोड़ा नहीं है। सिंघानिया के सिंहासन को तोड़कर उसे तबाह बर्बाद करने का ख्वाब देखो। और आइंदा इस घर में तब तक कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा जब तक सिंघानिया को हम अपने हाथों से मार नहीं लेंगे। केएलडी बोल रहा हूं। सिंघानिया साहब, आपका शक और अंदाजा दोनों सही निकले। हमारे लूटे हुए डायमंड्स का सौदा आज होराइजन क्लब में हो रहा है। मैं तो जुआ खेलने आया था। अगर तुम जुआ छोड़कर गोलियों का धुआं देखना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। रुपए लाओ। जेब में डायमंड रखकर रुपयों से खेलना बड़ी छोटी बात लगती है। डायमंड से खेलते हैं। ओके। मेरी चाल, एक चाल हमारी भी। इस हीरे की चमक कुछ जानी पहचानी से लग रही है। यूं तो सरकार की बनाई हुई नोटें एक जैसी होती हैं, लेकिन नोटों का मालिक वही होता है जो उन्हें अपनी जेब में रखता है। थैंक यू। मेरे ख्याल है बाजी लंबी करने के बजाय अगर सारे डायमंड एक साथ डाल दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। As you like. Sure. मेरा नसीब तो देखो, तीन इक्के जैसे मेरे गुलाम बनकर रह गए हो। तीन इक्के मेरे पास भी हैं। ताश की गड्डी में सिर्फ चार इक्के होते हैं, बाकी के दो इक्के कहां से आए? इसका मतलब तुमने बेईमानी की है। तुम्हारी मकारी से साफ जाहिर है कि डायमंड्स लूट कर मेरे बेटे पर जानलेवा हमला करने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। हां मैं हूं। क्या कर लोगे तुम? हाँ अच्छा,
हूं।